वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स उपटन इंस्टा ग्लो फेस मास्क का रिव्यू एंड डेमो, ताकि आपको इस प्रोडक्ट के लाइव रिजल्ट्स देखने को मिले। साथ ही मैं इस प्रोडक्ट में काफी सारी चीजें मेंशन की गई हैं एंड काफी सारे क्लेम्स करे गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। एंड इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे 1 मंथ कम्प्लीट हो गया है, तो वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए फिर वीडियो करते स्टार्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके फ्रंट पे लिखा है गुड वाइब्स इंस्टा ग्लो फेस मास्क, एंड इसमें किसी भी टाइप से हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, लाइक इसमें पैराबिन मिनरल्स सल्फेट्स का यूज नहीं किया गया है। साथ ही में ये प्रोडक्ट वेगन है एंड नो एनिमल टेस्टेड भी है। सो इस प्रोडक्ट का प्राइस है 250 रुपीज एंड इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। एंड मैंने इस प्रोडक्ट को पर्पल से बाय किया था एंड पर्पल में ये प्रोडक्ट हमेशा सेल पे रहता है, और अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं, जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट है 2 साल के लिए, यानी कि आप इस प्रोडक्ट को 2 साल तक इजिली यूज कर सकते हैं। एंड इसके साइड पे उपटन को स्किन पे यूज करने के बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। द मोस्ट फेमस इंग्रेडिएंट इन द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल स्किन केयर उपटन इज हियर टू गिव योर स्किन अ स्पॉट फ्री टोन एंड रिफाइंड ग्लो। दिस फेस मास्क ड्रॉज आउट डीप सीटेड ग्राइम, मिनिमाइजेस पोर्स एंड इल्यूमिनेट्स द कॉम्प्लेक्शन। इट जेंटली क्लीन्स वाइल रिटेनिंग द स्किन मॉइस्चर एंड यूनिवर्सल नेचुरल स्किन रेडियंस। सो इस प्रोडक्ट के अंदर उपटन का यूज किया गया है एंड उपटन मोस्ट फेमस इंग्रेडिएंट है स्किन केयर के लिए, एंड उपटन में स्किन लविंग बेनिफिट्स होते हैं। उपटन स्किन को स्पॉट फ्री टोन रिफाइंड ग्लो प्रोवाइड करता है, एंड इस प्रोडक्ट में भी मेंशन किया गया है कि ये फेस मास्क स्किन को डीपली क्लीन करता है एंड ये प्रोडक्ट पोर्स को मिनिमाइज करता है, साथ ही में क्लियर ब्राइट कॉम्प्लेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही में ये प्रोडक्ट स्किन के मॉइस्चर एंड नेचुरल रेडियंस को भी प्रोवाइड करता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड इसके नीचे साइड पे इसको यूज करने का तरीका भी दिया गया है। स्कूप आउट नेचुरल गुडनेस एंड अप्लाई इवन लेयर ऑफ द मास्क ओवर क्लींस फेस, अवॉइड आई एंड लिप एरिया, वॉश ऑफ विथ वाटर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एंड पैड ड्राई, अप्लाई मॉइस्चराइजर इफ डिजायर्ड। एंड इस प्रोडक्ट में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, जो स्क्रीन में मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी, जो मेन है मैं आपको वो बताती हूँ। सो इस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने एक्वा केओलिन ग्लिसरीन सिट्रिक एसिड सनफ्लावर सीड ऑयल ग्लूकोस विटामिन बी पपाया फ्रूट जूस लेमन जूस पोमीग्रेनेट फ्रूट जूस सेफ्रन एक्सट्रैक्ट टर्मरिक एक्सट्रैक्ट शिया बटर एंड विटामिन ई का यूज किया गया है। सो अब इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कि इसके अंदर मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट रिसीव हुआ। सो कैप को ओपन करते ही आपको प्रोटेक्शन के लिए एक और कैप देखने को मिलेगी, एंड इसके अंदर आता है हमारा मेन प्रोडक्ट यानी कि उपटन फेस मास्क। सो इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस सेम काइंड ऑफ उपटन जैसी है, एंड इसका टेक्स्चर, सो मैंने अपने हैंड पे थोड़ा सा उपटन लिया, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, एंड इसका टेक्सचर स्मूथ क्ले टाइप का है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डेमो। सो अब मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स उपटन फेस मास्क, एंड मैं इसे ब्रश की हेल्प से अपने कम्प्लीटली फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। एंड फेस मास्क अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है विद दी हेल्प ऑफ फेस वॉश। तो फेस मास्क को अच्छे से अप्लाई करने के बाद वेट करना है फॉर 15 to 20 मिनट, एंड देन इसे नॉर्मल वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना है, एंड ये फेस मास्क स्किन पे काफी अच्छा रिजल्ट देता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। बात करें अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इस प्रोडक्ट के क्लेम्स की, तो पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, बट मुझे इस प्रोडक्ट का एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा इसके क्लेम्स को लेकर। इट मीन्स ये प्रोडक्ट जितने भी क्लेम्स करता है ऑलमोस्ट उन पे वर्क करता है, लाइक इसमें क्लेम किया गया है कि ये स्किन को स्पॉट फ्री रखता है। तो इसमें उपटन का यूज किया गया है एंड ये एक उपटन फेस मास्क है, एंड उपटन में स्किन लविंग गुडनेस पाई जाती है, तो ये स्किन के जो भी स्पॉट्स होता है डार्क स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स उन्हें फेड करने में हेल्पफुल रहता है। साथ ही में उपटन स्किन के रेडियंस ग्लो को बरकरार रखता है, एंड इसमें क्लेम किया गया था कि ये पोर्स को मिनिमाइज करता है। सो मुझे लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फेस में थोड़े बहुत ही ओपन पोर्स हैं। सो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि आप जब भी अपने फेस में फेस मास्क अप्लाई करें तो उसको रिमूव करने के लिए ना कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी का यूज करें, तो उसकी वजह से भी पोर्स मिनिमाइज होते हैं। सो अगर आप ये कोल्ड वाटर वाली ट्रिक यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल रहता है, एंड ये प्रोडक्ट स्किन को क्लींस करता है और साथ ही में स्किन के रेडियंस को भी बरकरार रखता है, एंड ये प्रोडक्ट स्किन को मॉइस्चर भी करता है। यानी कि काफी सारे मार्केट में फेस मास्क आते हैं जो स्किन को ड्राई आउट कर देता है, बट ये फेस मास्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, इवन ये स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चर करता है। सो अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं,
क्योंकि ये स्किन को डीपली क्लींस करता है, साथ ही में स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। बट इसका एक क्लेम है कि ये प्रोडक्ट सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है एंड मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ड्राई विद लिटिल बिट सेंसिटिव है। एंड इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड अभी तक भी मेरी स्किन पे काफी ज्यादा नोज एरिया एंड माउथ एरिया में बर्निंग सेंसेशन होती है जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। बट इसकी वजह से मेरी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिले, बट मेरे फेस में बर्निंग सेंसेशन होती है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर आप किसी भी स्किन टाइप से रिलेट करता है, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार आप अपने स्किन पे पैच टेस्ट कर लेना इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले। एंड आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को काफी अच्छे बेनिफिट्स देता है, लाइक जितने भी ये क्लेम करता है ऑलमोस्ट उन पे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो गुड वाइब्स की उपटन फेस मास्क पे एंड आई होप की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।